शाम के 6 बजे बहुत ही भयानक वाला बारिश हो रहा है। अचानक इतने भयानक बारिश का आना नॉर्मल नहीं लग रहा है भाई। चारों तरफ कुछ बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं हम लोग। अब देखना ये है कि कहीं बाढ़ तो नहीं आ रहा है। तो बारिश शांत हो चुका है और मेरा चाय यहाँ पे तैयार है। बहुत दिनों बाद आज मैं चाय के साथ नमकीन भी खा रहा हूँ। तो बैठे बैठे अभी रात का बज चुका है 8 और अब है खाना खाने का वक्त। और हमारी गाड़ी को बाहर निकाल दिया है मंगल ने इसको धोने के लिए। तो अभी खाना बनने में टाइम है इसलिए मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो ये भाई साहब जा रहे हैं समोसा लाने के लिए। गिन्नी ने बोला है कि उसको समोसा खाना है। तो अभी रात का क्या टाइम हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है 8:48 और मैं और गिन्नी छुप के जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। चलो चलो, अबे चलो ना, सब संभाल लेंगे, चाचा विधायक हैं हमारे। मजाक, बारिश भी हो रहा है यार, इस बारिश में घूमने जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे। अबे स्कूटी तो पंचर था सुबह में, अबे ठीक हो गया क्या? अबे यार चाबी हाथ में आ गया यार, बारिश तेज हो रहा है। अरे हो रहा है तो क्या, चलो ना। गिर गया क्या रे? गिर गया शाम लगता है। घर में किसी को पता नहीं है, आगे हमारे किसी दुश्मन ने घेर लिया तो हम हमारा ब्लॉग आखिरी होगा। पंचर हो गया क्या? चलो भाई बढ़ते हैं आगे की ओर। ए भाई शिवम मोड़ ले भाई, शिवम अच्छा नहीं लग रहा जाने में। वैसे डराओ मत यार, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा। वैसे ही कैसे हो जाएगा, पिछली बार याद करो वो कौन थी। बस अभी मैं वार्न कर देता हूं, वार्न कर देना, तुझे डराना मत। डराना बनाना भाई यार, शिवम कोई नहीं है आगे यार। घर से कोई निकल के नहीं आएगा बचाने के लिए। अब घर है तो यार हिम्मत आ गया, अब हम लोग बच चुके हैं। अरे मेरा मुंह दिखाओ यार, दिखा रहे हैं अभी हम लोग बच चुके हैं। और जनरली हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, नेक्स्ट लेवल। ये फियर बस वही समझ सकता है जो डरता है। अब सेफ है। हाँ, अब हाईवे से घर जाएंगे और उधर से दूसरे रास्ते से घर जाएंगे। कुछ नहीं मिला ना, सब बंद हो गया। हाँ चले, चलो शिवम यहाँ पे समोसा खाता है, पहले मतलब खाता था और वहाँ पे गोलगप्पा मिलता था। हाँ, और आज देखो ये भी बंद है। हमारी किस्मत देखो, इतना डर डर के आए और मिला कुछ नहीं। अभी देखो हम लोग हाईवे पे आ गए और अगर मंगल को पता लगेगा ना कि हम लोग हाईवे से आए हैं तो सच में वो बहुत मारेगा, खास करके शिवम को। शिवम के ऊपर वैसे ही उसका पारा हाई रहता है और मेरे पे तो डबल हाई रहता है, दोनों ही मार खाएंगे। ये वाला रास्ते का भी ऑप्शन है लेकिन क्या करे शिवम, देखो तो कोई आ रहा है। आ रहे आ रहे आ रहे, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, राइट डाउन कर। हां कर रही हूं कर रही हूं, चल चल चल, जल्दी कर, जल्दी कर, रुको रुको। अब तो मुझे सेफ है यार, आदमी आ रहा है आगे से। अब बचे कि गए वो तो रात को पता चलेगा जब पुलिस पहुंचे।
बोलना कि यही थे। भाई एक बात बोलूं, मैंने भी वही चीज देखा जो गिन्नी ने देखा। एक ना लकड़ी जैसा रखा हुआ था, उसको ना कपड़ा पहना के और उसको वहां पे ना जमीन रोड के साइड में रख दिया था। तो हम दोनों को लगा कि वो कोई आदमी है जो बैठा हुआ है, लेकिन वो आदमी नहीं था। वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जैसा था जिसके ऊपर एकदम कपड़ा पहना के इंसान की तरह रखा हुआ था। तो अभी हम लोग सेफली पहुंच गए घर, और अभी तक सेफ हैं। अब सेफ ही रहेंगे बाहर, लेकिन ख़तरा है भाई, डर लगता है। जिसको डर लगता है उसको नहीं जाना चाहिए, और हमारे गांव में तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। तो ये है टमाटर, और मैं जा रहा हूँ अपने लिए तहरी बनाने, क्योंकि घर में बना है पोटलों का सब्ज़ी, परवल का सब्ज़ी, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं वैसे खा लेता हूँ, लेकिन आज मन नहीं है। तो आज मैं अपने हाथ का चावल बनाने वाला हूँ। तो मेरा चावल देखो बन के तैयार है, पूरा भाप लग गया है इसके ऊपर। तो ये ना देसी घी है, जो मेरा फेवरेट है। तो अब है इसको टेस्ट करने की बारी। एज यूजुअल बहुत टेस्टी है। कभी ना मैं आपको खिलाऊंगा, तब आप बताना कितना टेस्टी है। वैसे एक बात बोलूँ, आज का तहरी ना उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है। इसके पहले वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ये वाला ना थोड़ा कम टेस्टी है। तो अभी देखो रात का 11 बजने वाला है, और यहाँ पे गिन्नी बैठी हुई है। बारिश ना अभी अभी ख़त्म हो गया, तो पूजा रात 11 बजे यहाँ पे बैठ के खा रही है, और साथ ही साथ कान में कुछ तो गाना वगैरह सुन रही है। और इसने कान में वही ईयरबड लगाया है जो हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा था। ये भाई ईयरबड का पूजा पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और दो ईयरबड आपने भेजा था, और दोनों ईयरबड ये अकेली लड़की यूज़ कर रही है। दोनों का कलर सेम है, तो पता नहीं चलता है कि कौन वाला कब लगा रही है। यूटो ए, ज़्यादा प्यार करोगी देखना तुम्हारे पर कूद पड़ेगा ये। अरे पूजा खाना तो बचा नहीं था, तुम कैसे खा रही हो यार? एक डेढ़ घंटे पहले, दो घंटे पहले लगभग मैंने खाया है, वो भी खाना बना के। मैंने चावल बनाया था, तहरी बनाया था, मैंने लगभग 9 बजे खाया था, 8:30 बजे। वही मैं इसका वाला खाना खाई थी, तो ये बहुत मुझे काट रहा था साला, मेरा खाना मत खाओ। अब मेरे मिस खा रहा है, देखो बैठ के। यूटू जाओ, तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही थी कब से रूम में, वो गई सोने। भाई देखो अभी रात का 11 बज रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने, और अभी जाएगी पूजा भी सोने। लेकिन अनिता जी का बर्थडे मिस कर दिया यार हम लोगों ने, कल जाऊँगा मैं। अभी ना रात का लगभग 11 बज रहा है, ठीक है, और अभी जाएगी पूजा सोने, और अभी जाऊँगा मैं सोने। लेकिन पूजा उठेगी 10 बजे, और मैं उठूँगा 6-7 बजे। दोनों में फ़र्क कितना है, जबकि सोएंगे दोनों एक ही टाइम पे। अभी ये चली जाएगी, अभी अब सोएगी कब वो नहीं पता, लेकिन रूम में घुसेगी सोने के लिए अभी ही, और मैं तो अभी आपके सामने ही घुस जाता हूँ। बाय पूजा, गुड नाइट। अब मैं बाहर नहीं निकलूँगा, कुंडी बंद कर दिया मैंने। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, आपसे मिलते हैं कल, गुड नाइट। तो अभी सुबह हो चुका है, तो उठते उठते सबसे पहला काम है चाय बनाना। चाय बना के मैं इधर आ चुका हूँ, और आज का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि कल बारिश हुई थी, और बारिश के बाद यहाँ का चारों तरफ मिट्टी गीला हो चुका है। इस लोकेशन पे आने से ना बार बार ऐसा लगता है कि ये हमारा घर है ही नहीं। वैसे हमारा ओवरऑल कैंपस देखो पूरा क्लीन नहीं है। कल अनिता दीदी का बर्थडे था, लेकिन हम अनिता दीदी के पास नहीं जा पाए। आज मैं जाऊँगा, स्कूटी से जाऊँगा। गाड़ी से जाने से बहुत प्रॉब्लम होता है यार, गाड़ी में बैठ के सिर दुखने लग जाता है, तो गाड़ी से नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा अकेले। और यहाँ पे देखो आज सुबह सुबह पूजा भी उठ चुकी है। मैं इंतज़ार कर ही रहा था, अब देखो लोग आ गए। वैसे उठ चुकी है गिन्नी भी, लेकिन गिन्नी नज़र नहीं आ रही है, ये यहाँ पे आ गई। मैं तुमसे पहले उठी हूँ। अरे हाँ सब लोग, भाई कल भी परसों भी गिन्नी मेरे से पहले उठी थी। गिन्नी सुबह सुबह, गिन्नी देखो सुबह सुबह क्या कर रही है,
सुबह उठते उठते काम कर रही है। गिन्नी के पास इतना लंबा लंबा शर्ट है कि पैंट पहनने की जरूरत ही नहीं है इसको, देखो दिखा रही है कि मैंने पैंट पहना है। ये क्या कर दिया गिन्नी तुमने? चलो चलो रहने दे। क्या कहें, कमाल ही किया है। तो आज का ताजा खबर ये है कि पूजा वापस से कॉफी छोड़ने वाली है। छोड़ोगी ना कॉफी? सिर से दर्द पकड़ लिया यार। पीने से दर्द पकड़ लिया? तो छोड़ दो, देखते हैं छोड़ पाती हो या नहीं। वैसे तुम पिछले 2 साल से यही कोशिश कर रही हो कि कॉफी छोड़ देंगे। बीच में तो हम कभी नहीं पिए थे। पांडा के डेथ के कुछ दिन पहले हम जो बीमार पड़े तब पिए। छोड़ने वाली बात नहीं है, बात है कि छोड़ चुके हैं फिर पिए, अब फिर पी रहे हैं बीच में छोड़ के। भाई कब से ये कॉफी छोड़ रही है, आपने भी देखा है मैंने भी देखा है। वैसे इसे कॉफी का मैटर साइड में रखते हैं और मैं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे जाना है बाहर अनिता दी के लिए कुछ सामान लेके। और कल हम लोग बर्थडे ज्वाइन नहीं कर पाए अनिता दीदी का, और इसका श्रेय पूजा को जाता है क्योंकि ये मना कर रही थी जाने से। मैं बीमार थी, तुम लोग चले जाते। बात तो वैसे सही है, ये भी सही है। तो अभी कल हम लोग नहीं जा पाए इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, और इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करते हैं समाप्त क्योंकि मुझे जाना है बाहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।